हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। मैं आपको पंजाब के बहुत ही खूबसूरत सी सिटी यानी जिसे गुरु की नगरी भी कहा जाता है, यही बोलते साथ काफ़ी लोग जो हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बारी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं आपको अमृतसर की सैर करवाने वाली हूँ। और अमृतसर जो है ये ऐसी एक सिटी है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सो हम लोग जो हैं अमृतसर में आज घूम रहे हैं और ये है बॉर्डर से 28 किलोमीटर की दूरी पर यानी वाघा बॉर्डर से। तो चलिए अब हम जाएंगे श्री हरमिंदर साहिब, श्री दरबार साहिब जिसे काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है और गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। सो गाइस, हम लोग जो है यहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले जो है हम हमारे शूज़ दे देंगे और उसके बाद जो है आगे एंटर करेंगे। और गोल्डन टेंपल की सबसे ख़ास बात ये है कि इसके चार दरवाजे हैं यानी फोर गेट्स हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर किसी भी धर्म यानी रिलीजन और किसी भी जाति यानी कास्ट के लोग बिना किसी भेदभाव के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो है लंगर जो है वो 24 आवर्स चलता है और जिसमें हज़ारों लोग जो है एक टाइम पर बैठकर खाना खाते हैं। हम लोगों का गोल्डन टेंपल आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, हम लोग जस्ट शॉपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन मेरी नीस जो है वो लास्ट 2 ईयर पहले यूके से आई थी तो वो यहाँ पर आई थी, तो उसे कुछ याद था थोड़ा थोड़ा, तो उसी ने बोला कि उसे दोबारा गोल्डन टेंपल जाना है, तो मैंने भी सोचा कि चलो हम चलते हैं। तो वो उसे इसलिए याद था कि यहाँ पर ना उसने फिशेस देखी थी तो उसे वही देखने का दोबारा दिल कर रहा था। तो हम लोग भी आ गए और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को भी अच्छी तरह से इसका विज़िट करवा दूँ जितना मेरे से हो सका, क्योंकि मैं पूरा तो आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि पूरा दिखाने के लिए तो एक दिन भी कम पड़ता। तो जितना हो सका मैंने उतना आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा शोर था तो मैं आपको सही से बता नहीं पाती। गोल्डन टेंपल जो है अमृतसर के बीचों बीच में है और यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी होटल्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से या इंडिया से जो भी लोग आते हैं आउट ऑफ अमृतसर से, तो वो लोग इजीली यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है गोल्डन टेंपल के अंदर भी रहने के लिए काफ़ी सारा मतलब इंतज़ाम है, आप लोग रह सकते हैं। और जो है यहाँ पे एक और ख़ास बात है, गोल्डन टेंपल के पास में ही एक मैकडोनल है जो कि प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पर आपको नॉन वेज का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा और ये पूरे अमृतसर में एक ही मैकडोनल है जहाँ पे सिर्फ आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमने प्रसाद लिया था और यहाँ का प्रसाद जो है बहुत ही टेस्टी होता है, तो वो अभी मैं खाऊँगी और उसके बाद जो है मैं आगे भी आपको सैर करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे कैसे जो है ये बना हुआ है और कितना अच्छा लगता है। रात के टाइम अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। दिन में जो है इसका एक अलग लुक होता है और नाइट टाइम में एक डिफरेंट ही लगता है। और जो इसके बीच में ये पानी है ना, तो इस पानी में इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। गोल्डन टेंपल का हम लोगों ने विज़िट कर लिया है और अब हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख। हम लोगों ने सोचा था कि लंगर खाएंगे लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग जा रहे हैं हॉल गेट और हॉल गेट में बहुत ही फेमस है द ब्रदर्स, तो हम लोग डिनर जो है वहीं पर करेंगे। तो डिनर में हम लोगों ने जो लिया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डिनर में है ये थाल जिसमें कि है पापड़, राइस, चना, रायता और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। और साथ में लिया है शाही पनीर, दाल मखनी और मेरी नीस के लिए फ़्राइज़ लिए हैं क्योंकि वो खाना नहीं खाएगी और बाद में उसे मैकडोनल्ड ले देंगे घर जाते वक्त, तो वही खाना दिखा रही हूँ मैं आपको। आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट कर लीजिए, ये पंजाब का फूड, अमृतसर का फेमस खाना है ये। तो उसके बाद जो है हम लोग खा रहे हैं स्वीट्स, और स्वीट्स में जो है वो है खीर और फिरनी और साथ ही साथ गरम गरम गुलाब जामुन। मैं तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई करूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये कैसी लगी मुझे, और आप लोग भी बताइएगा। और यहाँ खाना खाने के बाद जो है मेरी नीस की चल रही है मस्ती, इसने काफ़ी शैतानियाँ करी, पानी गिराया काफ़ी सारा और इसने खेला, बच्चों का तो यही रहता है। और 3 ड्रेसेस इसके चेंज करी हैं पूरे दिन में, काफ़ी सारा इसने गंदा कर लिया था। और उसके बाद जो है हम लोग दोबारा आ गए हैं ट्रिलियम क्योंकि मेरी नीस को मॉर्निंग वाली राइड लेनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो है क्लोज़ हो चुकी है,
तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे खा रहे हैं गोला। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ गोले को क्या बोला जाता है जो बर्फ़ से बनता है ना, तो वो मेरी बहन खा रही है तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपके जगह पे इस गोले को किस नाम से जाना जाता है। गाइस गोला लेने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं घर की तरफ, लेकिन इससे पहले हम जो है एक और मॉल है वहाँ पर भी देख लेंगे। अमृतसर में जो है तीन मॉल हैं, एक है ट्रिलियम मॉल, एक है द मॉल ऑफ अमृतसर और एक और जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है लेकिन उसका जो नाम था वो था सेलिब्रेशन, तो रास्ते में ही वो पड़ता है तो हमें वहाँ पर जो है राइड मिल गई, पता चल गया कि यहाँ पर है तो उसे यहीं पर जो है हम लोग राइड दिलवा रहे हैं। आई होप के वो खुश हो जाए, वैसे वो काफ़ी खुश हो गई थी ये लेने के बाद और हम लोगों को भी अच्छा लगा कि उसका मूड जो है वो चेंज हो गया। और इसके बाद जो है हम लोग घर के लिए निकलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर काफ़ी सारी अमृतसर में जो हैं 4-star 5-star होटल्स भी हैं, जैसे कि ताज होटल, रेडिसन ब्लू, हयात होटल, गोल्डन ट्यूलिप, हॉलीडे इन और इसके अलावा भी काफ़ी सारी होटल्स हैं, एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप लोग कभी ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा। और रास्ते में जाते जाते याद आया कि हम लोग स्वीट शॉप से कुछ मिठाई ले लेते हैं तो वही हम ले रहे हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाई। और हम लोगों ने थी आते हुए मेट्रो से ग्रोसरी, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हम लोग घर पहुँच गए हैं तो वो ग्रोसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेट्रो जो है रात के 8 बजे बंद हो जाता है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो हमें जल्दी जल्दी जो कुछ ले पाए वो ले लिया, तो मैंने कहा वो मैं आपको दिखा लेती हूँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है इस टाइम काफ़ी फ्रेश मिल रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ मीट भी ले लिया था तो वो सब कुछ जो है अब मामा फ्रिज में रख लेंगी और जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ रख लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ना थक गए हैं, कहीं भी थोड़ा सा ट्रैवल करें तो टाइटनेस तो हो ही जाती है। तो अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर उड़द के दाल की खिचड़ी जो कि हमारी दादी के यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, तो हम लोग जब भी घूम के आते हैं वही बनाते हैं जब थके होते हैं। तो मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी 2-3 बार शेयर करी है, तो अब हम बना लेंगे उड़द की दाल की खिचड़ी और साथ ही साथ बनाएंगे ग्रीन चटनी हरे धनिए की जो कि हमारे घर का है। तो उसके बाद जो है मैं कर लूँगी डिनर और डिनर करने के बाद मैं आपके साथ दोबारा से बात करूँगी। गाइस मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आपके साथ एक बात शेयर करूं। आप लोग जो है मेरे व्लॉग को फुल वॉच नहीं करते, आप लोग मेरे व्लॉग को प्लीज़ फुल वॉच करा करें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाती हूं। मेरी मामा ने आते साथ सारी वेजेस को वॉश कर लिया और वॉश करके अलग अलग जो है रख दिया और साथ ही साथ हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए और मेरी मामा ने उनको भी वॉश करने के लिए लगा दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोगों ने सब ने शावर ले लिया क्योंकि इस टाइम पर जो है हम लोगों को काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा वायरस अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, तो हम लोगों ने सब ने शावर लेने के बाद ये डिनर कर रहे हैं और बाद में मेरी बहन ने बनाई थी यहाँ रबड़ी, तो मैं कर रही हूँ रबड़ी को इंजॉय। आप भी खा लीजिए, आपको खिला रही हूँ और इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ।